हेलो दोस्तों, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर की लास्ट एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे स्टार्ट 5.4। तो स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आयोटा की पावर 18, 1 बाय आयोटा की पावर 25 होल क्यूब। इसे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हमारे पास क्या है, आयोटा 18, 1 की पावर 25 तो 1 नहीं होता है, तो साथ में हम क्या लिख देंगे, आयोटा की पावर 25 होल क्यूब। अब हमने आयोटा फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा था 5.1 में आयोटा की पावर 18 को कैसे सॉल्व करना है। आयोटा की पावर 4 होल पावर 4, क्योंकि 18 को 4 के साथ डिवाइड कर देंगे, 4 × 4 = 16, तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास, आयोटा स्क्वेयर। इसी तरह 25 को 4 के साथ डिवाइड कर देंगे, 4 × 6 = 24, और हमारे पास क्या रिमाइंडर बचेगा, 1। अब आयोटा 4 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1, 1 की पावर 4 हमारे पास क्या होती है, 1, तो हमारे पास क्या बचेगा, आयोटा स्क्वेयर, क्योंकि आयोटा 4 तो 1 है, 1 × आयोटा स्क्वेयर इज आयोटा स्क्वेयर। इसी तरह आयोटा 4 की वैल्यू भी 1 होती है और 1 की पावर 6 1, तो यहां हमारे पास क्या बचेगा, आयोटा। ठीक है, अब आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 और 1 बाय आयोटा का क्यूब। ठीक है, तो यहां हम क्या करेंगे, -1। अब ये जो 1 बाय आयोटा, इसे रैशनलाइज कर दो अंदर ही, क्योंकि आयोटा का भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो हमने क्या किया, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई, आयोटा के साथ डिवाइड। तो ये हमारे पास आ गया -1 प्लस आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्केयर। अब आयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1, तो ये आ जाएगा आयोटा ओवर -1 क्यूब। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, -1 नेगेटिव आयोटा की क्यूब। अब इसमें से नेगेटिव कॉमन निकाल दो, तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा की क्यूब। अब a प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा दो, तो हमारे पास क्या आइडेंटिटी है, a प्लस बी क्यूब की, a क्यूब 3a स्केयर b, 3a b स्केयर और b क्यूब। तो यहां नेगेटिव तो बाहर है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 का क्यूब प्लस 3 1 का स्केयर आयोटा प्लस 3 1 आयोटा स्केयर और आयोटा क्यूब। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 3 आयोटा, आयोटा स्केयर इज -1 तो -3, आयोटा क्यूब इज नेगेटिव आयोटा तो नेगेटिव आयोटा। ठीक है, नेगेटिव। अब हमारे पास 1 -3 इज -2, 3 आयोटा और नेगेटिव आयोटा इज प्लस 2 आयोटा। अब जो नेगेटिव है इसे अंदर एडजस्ट कर दो, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 2 - 2 आयोटा। ठीक है, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास क्या है, 2 - 2 आयोटा। तो चलते हैं हम इसके सेकेंड क्वेश्चन पर। फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2, प्रूफ करना है रियल z1 इंटू z2 किसके इक्वल है, रियल z1 इंटू रियल z2 माइनस इमेजिनरी z1 और इमेजिनरी z2। तो पहले हमने क्या करना है, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लेने हैं, लेट z1 कोई भी लेट कर लो x प्लस आयोटा y, और z2 लेट कर लो a प्लस आयोटा b। अब हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करके रियल पार्ट क्या आना चाहिए, रियल z1 यानी z1 का रियल और z2 का रियल। ठीक है, और इमेजिनरी z1 का और इमेजिनरी z2 का। रियल क्या है, जो विदाउट आयोटा आ रहा है, और जिसके साथ आयोटा आ रहा है वो इमेजिनरी पार्ट है। पहले हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन z1 इंटू z2 करेंगे, तो x प्लस आयोटा y, a प्लस आयोटा v, इनकी मल्टीप्लीकेशन, तो x इंटू a, और x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x b आयोटा। अब ए वाई आयोटा, और इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वाई बी आयोटा स्क्वेयर, एक्स ए एक्स बी आयोटा ए वाई आयोटा, आयोटा स्क्वेयर इज -1, तो यहां क्या आ जाएगा, नेगेटिव वाई बी। अब रियल पार्ट ये दोनों है, इनको एक साथ कर लो एक्स ए माइनस वाई बी, और इमेजिनरी पार्ट एक्स बी प्लस ए वाई आयोटा, इन दोनों में से मैंने कॉमन निकाल दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, रियल ऑफ z1 z2। अब इसमें ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी, तो हमारे पास रियल पार्ट क्या आ गया, एक्स ए माइनस वाई बी।
ठीक है, एक्स ए माइनस वाई बी। अब हमने राइट हैंड साइड निकालनी है, राइट हैंड साइड क्या गिवन है हमारे पास, रियल ऑफ जेड वन, रियल ऑफ जेड टू माइनस इमेजिनरी ऑफ जेड वन और इमेजिनरी ऑफ जेड टू। अब रियल देखो, जेड वन का रियल पार्ट कौन सा है, एक्स, तो यहां हम क्या पुट कर देंगे, एक्स, और जेड टू का रियल पार्ट कौन सा है, ए, तो यहां हम पुट कर देंगे ए, और इमेजिनरी पार्ट जेड वन का क्या है, वाई, तो यहां हम पुट कर देंगे वाई, और जेड टू का इमेजिनरी पार्ट क्या है, बी, तो यहां हम पुट कर देंगे बी। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, एक्स ए माइनस वाई बी। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या था, एक्स ए माइनस वाई बी, राइट हैंड साइड भी क्या गया, एक्स ए माइनस वाई बी, तो ये इसे वन और इसे टू, तो हमारे पास क्या आ गया, फ्रॉम वन एंड टू रियल ऑफ जेड वन जेड टू इक्वल टू रियल ऑफ जेड वन रियल ऑफ जेड टू नेगेटिव इमेजिनरी ऑफ जेड वन और इमेजिनरी ऑफ जेड टू। तो यही हमने प्रूफ करना था। तो हमारे दो क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।